तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर राज करने वाली जे जयललिता के पार्थिव शरीर को जब चेन्नई के मरीना बीच पर आखिरी विदाई दी जा रही थी तो मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं और दिल में अम्मा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का भाव। जयललिता का पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम मरीना बीच पर पहुंचा। इसके बाद MGR मेमोरियल के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयललिता को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जलाया नहीं गया बल्कि दफनाया गया। जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला ने अंतिम संस्कार की सारी रीतियां अदा की। अंतिम संस्कार से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम सांसद और विधायक, अधिकारियों और राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ी के बने ताबूत में रखा गया और फिर उसे दफनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। विदाई के समय उनको पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। सेना के तीनों अंगों की ओर से उन्हें सलामी भी दी गई। इससे पहले लोगों के अंतिम दर्शन के लिए जयललिता के पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां हजारों समर्थकों ने पुराची थलेवी अम्मा को अंतिम विदाई दी। जयललिता की पसंदीदा हरे रंग की साड़ी में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर शीशे के बक्से में रखा गया था। पन्नीर सेल्वम, उनके मंत्रियों और AIADMK सांसदों, विधायकों, अधिकारियों ने दिवंगत मुख्यमंत्री को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। She is a fighter until the last moment fought against the cruelty of disease and sufferings. All other battles she won, but perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. PM Modi भी राजाजी हॉल में जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुष्प अर्पित करने के बाद पार्थिव शरीर के सामने कुछ देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। PM ने शशिकला नटराजन और पन्नीर सेल्वम को सांत्वना दी। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर भी जयललिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं हमेशा उन अनगिनत अवसरों को संजो कर रखूंगा जब मुझे जयललिता जी से संवाद करने का अवसर मिला, उनकी आत्मा को शांति मिले। राजाजी हॉल में PM मोदी के साथ जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के गवर्नर विद्यासागर राव और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। बिग लॉस टू द कंट्री, बिग लॉस टू द इररेपरेबल लॉस टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। शी विल बी लिविंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। द एंटायर नेशन फील दैट वी लॉस्ट अ वेरी डायनेमिक, करेजियस, बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एक्सलेंट पब्लिक लीडर। जया के अंतिम संस्कार के लिए ओडिशा के CM नवीन पटनायक, आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, केरल के CM पिनाराई विजयन, पुडुचेरी के CM वी नारायण सामी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंचे। देश की ताकतवर महिला राजनेताओं में शुमार की जाने वाली जे जयललिता ने सोमवार देर रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले करीब 72 दिनों से वह बीमार थीं और अपोलो में ही उनका इलाज चल रहा था। रात में उनके शव को अस्पताल से उनके आवास पोइस गार्डन ले जाया गया। मंगलवार सुबह उनके पोइस गार्डन से पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल ले जाया गया। इस दौरान वहां समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। जगह जगह लोग खड़े थे और अपनी नेता के अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। 3 दिन स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों ने भी जयललिता के सम्मान में 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने भी 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। जनता के दिलों पर राज करने वाली जयललिता को प्यार से अम्मा कहा जाता है और लोगों ने उन्हें सम्मान भी बिल्कुल माँ जैसा दिया। जया का जाना न केवल लोगों के दिलों को स्तब्ध कर गया है बल्कि तमिलनाडु और देश की राजनीति में ना भरने वाला खालीपन ला गया है। चेन्नई से आयशा खानम और गुरु बाबू के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।